बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट का पेपर, जो कि आप ज़कात ऑफिसर एंड असिस्टेंट दोनों के जो हैं पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग व्हिच पैक्ट विद इंडिया वॉज साइंड बाय लियाकत अली खान। जी, तो लियाकत अली खान के साथ जो मुआहदा हुआ था, नाम के साथ भी आप इसको जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं, लियाकत नेहरू पैक्ट जो है इज अ राइट आंसर, लियाकत नेहरू पैक्ट। ठीक है, ये लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ कब था, ये इसकी डेट भी आप एक दफा याद कर लीजिएगा कि अप्रैल 8, 1950 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मीनारे पाकिस्तान। कौन से भारतीय वजीर आजम जो है उन्होंने मीनारे पाकिस्तान का दौरा किया था? तो जनाब इंदिरा गांधी भी नहीं थे, मोदी भी नहीं थे, तो वो वाजपेयी साहब थे जिन्होंने 1999 में जो है मीनार पाकिस्तान का जो है वो विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड नेम ऑफ कोल डीजी, कोल डीजी का जो पुराना नाम है वो है फोर्ट अहमदाबाद, फोर्ट अहमदाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोची पास कनेक्ट, टोची पास जो है वो किन दो को मिलाता है आपस में? वजीरिस्तान विद बनू इज अ राइट आंसर। तो पासिस से रिलेटेड भी मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपने जो इम्पोर्टेंट पासिस हैं उनको भी एक दफ़ा आपने उनसे गो थ्रू हो लेना है, लाइक खैबर पास, बुलान पास, ठीक है, लवारी पास, ये सारे पासिस की डिटेल आपने एक दफ़ा जो है वो देख लेनी है, गुजरात पास का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, व्हेन मैग्ना कार्टा साइंड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। मैग्ना कार्टा जो है कब साइन हुआ था, ये मैंने पहले भी इस पर डिस्कस किया था, तो 1215 इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हेल्ड इन, गोलमेज कॉन्फ्रेंसिस जो है वो कहाँ पे हुई थी? इजी क्वेश्चन है, लंदन इज आर राइट आंसर। तो इसकी डेट्स जो है वो भी वो पूछ सकता है, वो भी आप एक दफा देख लें। जो फर्स्ट हुई थी वो 1930 में, सेकंड 1931, थर्ड 1932 में हुई थी। ठीक है, ये सारी जो है वो ऑल इन लंदन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान परचेज ग्वादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री। बहुत दफा क्वेश्चन आ चुका है, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को ओमान से जो है वो परचेज किया था, ओमान इज अ राइट आंसर। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, पाकिस्तान अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कब परचेज किया था, तो पाकिस्तान परचेज ग्वादर पोर्ट फ्रॉम ओमान ऑन 8 सितंबर 1958। ठीक है, 1958 को पाकिस्तान ने जो है वो परचेज किया था, 8 सितंबर 1958। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अब तो जाहिर है कि वो कुछ चेंज हो गए होंगे, तो लिहाजा आपने जो है वो इसको एक देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स, पेंसिल्स में जो है वो कौन सी जो इनमें से चीज है वो यूज होती है? जी हाँ, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, जो उसके अंदर लेड होती है, कार्बन होती है, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। जी हाँ, ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक टू टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपने ब्लॉक टू टेक्स्ट मूव करना है तो आप कौन सी कट एंड पेस्ट जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगला डैम इज लोकेटेड इन, मंगला डैम जो है आजाद जम्मू एंड कश्मीर में वाक़ है। ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। मंगला डैम जो है वो जेहलम रिवर पर वाक़ है और ये सातवां जो है लार्जेस्ट डैम है दुनिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शेख मुजीबुर रहमान डाइड, शेख मुजीबुर रहमान की वफात कब हुई? शेख मुजीबुर रहमान वाज डाइड अगस्त 15, 1975 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोची पास कनेक्ट, देखें एक पेपर में जो है वो पासिस का दूसरा क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, टोची पास कनेक्ट गजनी विद बनो। ठीक है, ये पासिस को आपने एक दफा जरूर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध सागर द्वाब इज बिटवीन विच टू रिवर्स। सिंध सागर द्वाब जो है वो है झेलम और दरिया सिंध के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, ओ सॉरी, सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, थर्ड डेजर्ट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट माइंड इफ यू आर टायर्ड, आई डोंट माइंड इफ यू, आई डोंट माइंड ड्राइविंग इफ यू आर टायर्ड, ठीक है? टू ड्राइव, ड्राइव और ड्राइविंग, आई डोंट माइंड ड्राइविंग इफ यू आर टायर्ड, ड्राइविंग इज द राइट आंसर. वट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का कैपिटल कौन सा है? सो ओस्लो इज द राइट आंसर, ओस्लो जो है वो नॉर्वे का कैपिटल है. इसकी थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं. नॉर्वे का कैपिटल जो है वो ओस्लो है. करेंसी भी आप इसकी एक दफा देख लीजिए, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है? ये यूरोप का कॉन्टिनेंट यूरोप में वाक़ है, ठीक है? इसके रिलेटेड जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आता है. ये रहा जनाब नॉर्वे पार्लियामेंट कॉल्ड स्टॉर्टिंग, स्टॉर्टिंग वाला जो है क्वेश्चन, ये भी बहुत दफा पूछा जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम? जी हाँ, इसके आपने जो है वो देखेंगे, व्हाट आई मीन इज अंडरस्टैंड बाय यू इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ ब्लूमिंग इज, ब्लूमिंग का मतलब होता है ब्लूम करना, चकमगाना. तो इसका जो उल्ट होगा, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा फेडिंग, फेडिंग इज द राइट आंसर. जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपने, चेंज ऑफ वॉइस, द बॉक्स कैन कंटेन नो मोर, इसकी वॉइस जो है वो आपने चेंज करनी है. नो मोर कैन बी कंटेन्ड इन द बॉक्स इज अ राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का जो है वो एंटोनिम होगा ट्रांसमिट करना और हेल्ड करना जो है वो इसका जो है वो एंटोनिम हो सकता है. विद हेल्ड इज अ राइट आंसर. माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश टाइड, मेरा दोस्त और मोहसिन वफा पा गया, हैज इज द राइट आंसर. आई थिंक देयर इज नो नॉट ओनली क्लीनर डैश इन नेक्स्ट टू आवर कॉलेज, मेरे ख्याल में हमारे कॉलेज के साथ सिर्फ क्लीनर ही नहीं डैश है, एंड अदर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, To pull socks up means, pull socks up का मतलब होता है to get ready, मतलब तैयार होना. Next question, dash is a non-viral disease. Non-viral में से कौन सी disease है? जो है AIDS is a right answer. AIDS जो है वो non-viral disease नहीं है. Dash is used to measure altitude from sea level. Sea level का जो है वो altitude measure करने के लिए हमें altimeter जो है वो use करते हैं, ठीक है? Next question. Alexander defeated राजा पोरस इन, अलेक्जेंडर ने जो है राजा पोरस को जो है वो शिकस्त दी थी 326 BC में. नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटनी वॉर अकर्ड इन, म्यूटनी वॉर जो है वो 1857 में जो है वो अकर हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन्फोर्स्ड इन, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो 2010 में जो है वो इन्फोर्स हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम पर्सनल लेटर और सेव इन, कायदे आजम के जो जाती खतूत हैं वो महफूज हैं कहाँ पर? नेशनल आर्काइव्स इस्लामाबाद इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉनबोर्ग कैसल इज इन, क्रॉनबोर्ग कैसल जो है वो कहाँ, किस मुल्क में वाक़ है? सो डेनमार्क इज द राइट आंसर. जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड आर्थो फेट्स, आर्थोफेट्स जो हैं वो प्लांट्स हैं, कौन से होते हैं? जी हाँ, पिनोस्पोर्स आर प्लांट्स आर कॉल्ड आर्थोफेट्स, सो थर्ड वन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालॉजी ऑफ लाइन, लाइन जो है वो कार्निवोरस हैं, देन हेंस आर हर्बिवोरस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, You will go or you will miss the train is which type of sentence? ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? तो ये है कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस. जी हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और एक जो, जी हाँ, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड टेक टैक्सी डैश इट इज मोर एक्सपेंसिव, even if it is more expensive. The sun amused themselves is amused. The sun amused themselves में जो है
उसकी जो है वो ग्रामर की रूल से वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे जो यूज किया जाए उसे बोलते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदीफ के बगैर नजर क्या कहलाती है? रदीफ के बगैर नजर क्या कहलाती है? मौरी। मौरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाक और खून किसके नावल हैं? खाक और खून का जो राइटर थे वो थे नसीम हिजाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिजाने नजर था ये मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाबे फजंदी? ये शेर अल्लामा इकबाल के जो ये शेर हैं इनमें कौन सी जो है वो सनफ मौजूद है? सो इसमें जो है वो तलमिया की सनफ जो है वो मौजूद है। तलमिया वो सनफ होती है जिसकी तरफ किसी जो है ना वाक्या या सियासी इखलाकी या मजहबी वाक्य की तरफ इशारा किया जाता है उसको बोलते हैं तलमिया। सो तलमिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरीले बोल का शायर किसकी किताब है? सुरीले बोल जो है इसरारुल हक, सॉरी सुरीले बोल जो है वो असमतुल्लाह खान साहब की किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तू से एलीट तक किसकी किताब है? अरस्तू से एलीट तक के जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर जमील जलाली साहब जो है वो इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसहाबुल खदूद से क्या मुराद है? अबुल खदूद से मुराद है कहानी खोदने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मुल कुरी किसको कहते हैं? उम्मुल कुरी जो है वो मक्का को बोला जाता है। फितरतुल वही किसको किस फितरतुल वही किसे कहते हैं? फितरतुल वही वो टाइम ड्यूरेशन होता है जो पहली और आखिरी वही के दरमियान वाला होता है, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजल के कौन से शेर को मक्का कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, बहुत दफा आ चुका है। गजल का जो पहला जो शेर होता है उसको बोलते हैं मतलब, ठीक है। दुरुस्त मुहावरा बताएं, इनमें से कौन सा दुरुस्त है? और आपने लिखा लाल पीला होना, लाल लाल होना, लाल सुर्ख होना, लाल पीला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको सुरीले बोल का शायर भी कहते हैं? सुरीले बोल का शायर असमतुल्लाह खान साहब इज द राइट आंसर। सुलह देबिया का मुआहिदा किसने लिखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुलह देबिया का मुआहिदा जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने जो है वो तहरीर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजल का पहला मिसरा जिसके दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ हों कहलाता है? ऊपर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सो मतला इज द राइट आंसर। अलिफ लाम मीम कितनी सूरतों के जो है वो शुरुआत अलिफ लाम मीम से होती है? सिक्स इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलिफ लाम मीम से छह सूरतें जो है वो शुरू। नेक्स्ट, शर का मुजाद, सर का शर का मुजाद है खैर, क्या इज द राइट आंसर। किताबे फिरदौस नगमा का मुसन्निफ कौन है? अख्तर इंसार अकबर अबादी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगन किसका मशहूर नावल है? आंगन जो है वो खदीजा मस्तूर साहबा का जो है वो मशहूर नावल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान करीम में किस सूरह में आया है? वसल्लम को अहमद के नाम से जो है वो सूरह सफ में जो है वो अहमद के नाम से जो है वो पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर्ट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो बेस ओरिएंटेशंस होती हैं, ठीक है। जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो साइड पे ऑप्शन आ रही होती है कि आपने इसको लैंडस्केप पे या पोर्ट्रेट किस जो है ओरिएंटेशन पे प्रिंट करना है। सो प्रिंट ओरिएंटेशन इज द राइट आंसर। कीबोर्ड इज यूज्ड एज, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? जाहिर है कि आप डायरेक्शन देते हैं कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, सो कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही के लघवी मायने क्या हैं? वही के लघवी मायने हैं चुपके से दिल में बात डालना। जी हाँ, चुपके से दिल में बात डालना इज द राइट आंसर। हजरत ईसा अलैहि सलाम कहाँ पर पैदा हुए? हजरत ईसा का जो है वो जाए पैदाइश जो है बैतुल लहम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान करीम में नफ्स कितनी इकसाम बयान की गई हैं? कुरान पाक में नफ्स की जो है तीन इकसाम को बयान किया गया है। थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटिंग के बी स्टैंड फॉर, के बी जो है वो किलो बाइट का जो है वो एब्रिविएशन है, किलो बाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट इज, एमएस पावर पॉइंट जो है वो कौन सा किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सो ये एक एप्लीकेशन, सॉरी पावर पॉइंट। जी हाँ, एमएस पावर पॉइंट इज, एमएस पावर पॉइंट जो है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर,
जी हाँ, कैथोड रे ट्यूब्स जो है वो सीआरटी जो है, कैथोड रे ट्यूब्स जो है वो उसमें होती है मॉनिटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल ए जो है वो ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, सो ए इज द राइट आंसर। व्हिच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ओपन वेब पेजेस को ओपन करने के लिए जो हमें यूज किया जाता है वो है ब्राउजर, सो ब्राउजर इज द राइट आंसर। व्हिच यूएस कन्वेंशन हैज मोस्ट सिग्नोरिटीज एट इट्स ओपन डे। किस अमेरिकी कन्वेंशन के 27 दिन सबसे ज्यादा दस्तखत दान है, सो राइट आंसर इज यूएन कन्वेंशन ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज द राइट आंसर। डिड यू हियर डैश द एक्सीडेंट लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात डैश हादसा सुना। अबाउट इज द राइट आंसर, के मुतल्लिक हादसे के मुतल्लिक सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड बाय व्हिच गवर्नमेंट। ए 18th अमेंडमेंट जो थी वो किस गवर्नमेंट के दौरान हुई, सो पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रन डैश देयर कॉलेज, दे रन डायरेक्टली टू देयर कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड 572 पाकिस्तानी प्रिजनर्स, पाकिस्तानी प्रिजनर्स को किस मुल्क ने आजाद किया है, सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान को ऐमान ने जो है वो एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन, गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो सैन फ्रांसिस्को में वाक़िया है, सैन फ्रांसिस्को जो है वो यूएसए में है, सो सैन फ्रांसिस्को इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली। देखने एक पेपर में दो कैपिटल्स पूछ लिए हैं उसने, ठीक है, दो पासिस पूछ लिए हैं, ठीक है। कैपिटल जो है वो चिली का जो है वो दारुल हुकूमत है सैंटियागो, सैंटियागो इज द राइट आंसर। तो चिली की भी थोड़ी सी डिटेल देखने, इसका कैपिटल करेंसी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिटरी ऑफ इजराइल साइन बिटवीन अलाइड फोर्सेस वर्सेस इतिहादी फौज का मुकाबला जर्मनी इज द राइट आंसर। द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो है डायमंड, सो डायमंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओपोज्ड नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को किस, नेहरू रिपोर्ट की मुखालफत किसने की थी, नेहरू रिपोर्ट की जो है मुखालफत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, सो जिन्ना इज द राइट। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेपर उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।